एलोपैथी के डॉक्टरों को एलोपैथ का इलाज करने का अधिकार देने के सरकार के फैसले के विरोध में रविवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर IMA के बैनर तले संगठन के सचिव डॉक्टर VN अग्रवाल के नेतृत्व में सीतापुर आई हॉस्पिटल में स्थित कार्यालय पर एकत्रित हुए और शाम तक धरना पर बैठे रहे। रविवार को मिक्सोपैथी चिकित्सा में खिचड़ी तंत्र के विरोध में धरना दिया। इस संबंध में IMA के सचिव डॉक्टर VN अग्रवाल ने बताया कि तमाम चिकित्सा पद्धतियों एलोपैथ, आयुर्वेद व यूनानी आदि को एक साथ मिलाकर पढ़ाने व इलाज करने से मिक्सोपैथी पैदा होगी। इसका दुष्परिणाम आम जनता पर पड़ेगा। हम भारतीय हैं, आयुर्वेद हमारी प्राचीनतम पद्धति है, हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी पैथी को दूसरी पैथी से मिला देने पर दोनों की स्वतंत्र पहचान खो जाएगी। इसलिए सभी विधाओं का स्वतंत्र रूप से विकास होना चाहिए। IMA इसका पक्षधर है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए IMA के सचिव डॉक्टर VN अग्रवाल ने कहा, ऐसा होता है, ये खाली डॉक्टर से संबंधित नहीं है, किसी भी फील्ड में कोई लोग खाना खुला है तो अकालती करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, बुराई से भी कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि मिसफायरिंग होगा, गलती करेंगे। और हमारे यहाँ आए दिन देखते ही रहते हैं जो दूसरी विधा वाले सब सर्जरी करते हैं तो क्या उसका कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, एलोपैथ में भी एक स्पेशलिटी वाला दूसरी स्पेशलिटी काम करने डरता है, नहीं कर पाता है, अब कहाँ से आयुर्वेद वाला आपका काम कर लेगा। प्रॉपर ट्रेनिंग दी, इनकी विधा डेवलप हो तो फिर हो सकता है। इसके पीछे तो कुछ ना कुछ नीतियाँ थी, उसको डेवलप करें, उसको डेवलप करिए, उसके विकास को कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन जो ऑलरेडी विकसित है मिल रही है जिसने इतना लोगों की लाइफ सेव की उसको फिर उसके ऊपर क्यों करते हैं। नहीं, और ये देखिए जो आयुर्वेद का है अच्छे कॉलेज से जो आयुर्वेद पास है वो भी आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं करते, उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अपने विधा पे, अपनी ट्रेनिंग पे कि अपनी प्रैक्टिस वो कर पाए। मैं डॉक्टर VN अग्रवाल, सचिव IMA गोरखपुर। हम लोगों का ये जो दो दिवसीय धरना है, 6 तारीख को कल था और आज है, यह हम लोगों का जो सरकार की एक नीति आई है कि जो चिकित्सा विज्ञान की तमाम विधाएं हैं जैसे कि एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा आदि, इन सबको मिक्सअप कर दिया जाए और सबकी शिक्षा एक साथ की जाए और उससे जो चिकित्सक उत्पन्न होंगे वो सब कुछ मिलाकर एक खिचड़ी की तरीके से सर चिकित्सा मरीजों की करें। अब हम लोगों का ये कहना है भाई, इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो किसी भी विधा की अपनी आइडेंटिटी तो नहीं रह जाएगी। आज आप विदेशों में जाइए, UK में जाइए, US में जाइए, तो वहाँ भारतीय चिकित्सकों की बड़ी इज्जत भी है और बहुत डिमांड भी है। वो चिकित्सक काम वहाँ जरूर कर रहे हैं पर उनकी चिकित्सा शिक्षा तो सारी भारतवर्ष में ही हुई है और यहाँ की चिकित्सा शिक्षा जो कि आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा है इसकी एक साख है दुनिया में। यह साख गिरेगी, विदेशों में चिकित्सकों की डिमांड घटेगी और एक तरीके से हम भी यहाँ के अपने नागरिकों को भी उचित तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। तो यह संभव नहीं है कि हर चिकित्सा पद्धति को एक साथ मिलाकर उसका इलाज किया जाए, एक तरह से खिचड़ी हो जाएगी और मरीज़ का नुकसान नहीं होना है। और अगर आपको कोई चीज़ डेवलप करनी, हम भी सम्मान करते हैं आयुर्वेद का, हमारे भारतवर्ष की पुरानी विधा है, पर सही नीतियों न होने के नाते ही आज आयुर्वेद का यह हाल है कि आयुर्वेद विकसित नहीं कर पा रही है। सरकार को चाहिए आयुर्वेद और अन्य जो भी विधाएं हैं जिनको विकसित करना है उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, उसके स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दें, उसके बाद वो मार्केट में आए तो हम भी उसका सम्मान करेंगे, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम यह बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि एलोपैथ के साथ किसी और पैथी को मिलाकर चिकित्सा की जाए जिससे हमारा, मरीजों का और समाज का, सबका नुकसान है, देश की साख का भी अंतर्राष्ट्रीय नुकसान इसमें होना है।